ये जो हाल ही में ऑर्डर पास हुआ है उसकी वजह से मुझे कम लोग दिख रहे हैं यहाँ, पर जो भी आए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, प्रणाम आप सबको। क्या करें, सवाल होंगे उनका जवाब दूं या कुछ कहूं? मैं जो कहूंगा वो आपके सवालों के जवाब में होगा ही, कैसे करें सर? सवालों के जवाब भी आएंगे लेकिन अच्छा। उससे पहले हम क्रांति जी को जो है स्टेज पे बुलाएंगे। हाँ, आइए आइए क्रांति जी, आइए प्लीज मैम। शुरुआत करते हैं इससे कि मैं भाग्यशाली मानता हूँ, सौभाग्य है मेरा कि शेमारू टीवी का जो पहला ओरिजिनल शो है उसमें मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है होस्ट करने का, सूत्रधार बनने का। और ये जो आपने बहुत एक खूबसूरत सफ़र शुरू किया है उस सफ़र के आगाज़ में मैं जुड़ा हूँ आपके साथ, सो थैंक यू वेरी मच क्रांति जी। बिग थैंक यू टू यू। थैंक यू, इट्स माय ऑनर, आई एम ऑनर्ड। द प्लेजर इज आवर्स एंड टुगेदर वी विल डिलाइट द ऑडियंसेस। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वैसे सर कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे शो की शुरुआत जो है, अच्छी चीज़ की शुरुआत जो है अमूमन गणपति बाप्पा से, उनके नाम से लेनी चाहिए। हमारे पास हमारे गणपति बाप्पा हैं सर, ये है हमारे गणपति बाप्पा। तो सर आप और मैम जो हैं प्लीज डू दी ऑनर्स, प्लीज डू दी नीडफुल, क्योंकि ये क्लैप बजेगा और साथ में आपकी क्लैप बजेंगी तो एक शुभारंभ की शुरुआत होगी। गणपति बाप्पा। मैंने ये अपराध किया है जीवन में 2-3 बार किया है जी, रिपीटेड ऑफेंडर हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो आपको जरा सा समझ में आएगा कि जब हम कहते हैं कि जज्बात कोई भी हमारे में कोई भी जज्बात अगर काबू में ना रहे, हद से आगे बढ़ जाए, तो जैसे कि पेशेंस, ऐसा कहा जाता है कि पेशेंस इज अ वर्च्यू। अब मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ तो काफ़ी सालों से गाड़ी चला ही नहीं, लेकिन पहले होता था कि शूट पे जाना है, लेट हो रहा है और खड़े हो, यार ये हरा ही नहीं हो रहा है, हरा ही नहीं हो रहा है, लाल ही है, लाल ही है, चलो छोड़ो निकाल लो, तो निकल गए हम लोग लाल लाइट से। सो लॉस ऑफ पेशेंस, धैर्य शक्ति की कमी और हो गया अपराध। तो जुर्म और जज्बात वो शो है जहाँ ऐसी कहानियाँ हैं, जहाँ एक आपके जैसा, मेरे जैसा, हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं, जो आम लोग हैं, जो कॉमन मैन हैं, जब धैर्य या ईर्ष्या या क्रोध एक एक सीमा पार कर जाती है तो सैनिटी और इनसैनिटी में सिर्फ एक इन का फर्क होता है। तो जब पागलपन सवार हो जाता है तो इंसान सद्बुद्धि खो बैठता है, और सद्बुद्धि खोने से फिर जो बाद में पछतावा तो होता ही है, लेकिन उस, जैसे हम कहते हैं मौका वारदात, उस समय क्या होता है। कई कहानियां हमारे हिंदुस्तान में मुझ तक आई थी जहां एक पेरेंट ने अपने चाइल्ड की हत्या कर दी क्रोध में आकर। कोई पेरेंट अपनी चाइल्ड की हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन हुआ है। ये सारे असल वारदात हैं, घटनाएं हैं जो घटी हैं हिंदुस्तान में, अन्य जगहों पर। तो दिस इज, जैसे कहते हैं रियल लाइफ इज इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ। तो जैसा कि क्रांति जी ने बताया, हमारे हिंदुस्तान के हार्टलैंड में ये कहानियाँ असल कहानियाँ हैं जो अंजाम ले चुकी हैं, जो हम अपने शो पे दर्शाएंगे। Fantastic. लेकिन सर बचपन की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गलती जो है आप... यार मेरी गलतियां निकालने में क्यों लगा हुआ है? मैंने कहा कि थोड़ा सा कुछ ऐसी बात जो अमूमन क्या है ना, देखो सर शो तो है, आप सेलिब्रिटी हो, आप स्टार हो, लोग जानते हैं शो के बारे में बात होगी, लेकिन कुछ पर्सनल चीजें जो होती जो ऐसे बचपन में कुछ याद है यार ये गलती कर दी मैंने, इफ आई कैन गो बैक रिवाइंड माई सेल्फ एंड डू नॉट डू दैट मिस्टेक। नहीं देखिए, एक ही चीज बचती है कि आप वक्त को पीछे नहीं लेकर जा सकते, वक्त तो आगे ही बढ़ता रहता है। तो एक ही चीज़ बचती है यहाँ कि गलतियाँ, और बचपन में नहीं, आज भी करता हूँ मैं गलतियाँ, आज भी होती है। टू शेयर सर कुछ? नो 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 नो। तो मेरा ख्याल से इन आंसर टू योर क्वेश्चन यही होता है कि गलती होती है, सबसे होती है, हम सबसे होती है। जैसे कि हमने कहा, हमेशा एक इंसान अगर
24 घंटे अपने जज्बात काबू में करके रखे तो वो ऐसे ही पागल हो जाएगा यार. वेरी ट्रू. है ना, तो कभी कभी दैट रिलीज इज इम्पॉर्टेंट. और उस रिलीज के चक्कर में गलतियां जो होती हैं, बेगम से गर्म आवाज में बात कर लिया तो दो दिन तक बात ही नहीं किया उसने मेरे साथ. तो पर अपनी गलतियों से सीखना जरूरी कि हाँ कि यार ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे. तो दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू